बिस्मिल्लाह। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डायोड डिलेमेटर्स को दोबारा से थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और फिर हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डायोड डिलेमेटर आर क्लिपर इज बेसिकली यूज्ड टू लिमिट आर क्लिप द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, सो there would be a positive limiter and a negative diode limiter is used to clip the negative part of the input voltage. So basically diode limiter jis tarah naam se ya usse zahir hai ya clipper hum isko kehte hain ki ya to input voltage ka positive part or negative part jo hai wo you can clip. Wo depend ke aap kis tarah isko configure karte hain, iski configuration kis tarah hai, circuit configuration. मिसाल के तौर पर इफ यू आर लिमिटिंग द पॉजिटिव अल्टरनेशन द पॉजिटिव पार्ट, सो क्या होगा, आप डायोड को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि उसका एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर आप प्रैक्टिकल डायोड को कंसिडर कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम प्रैक्टिकल डायोड को देख रहे हैं, सो वेरियर पोटेंशियल जो है वो सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट तो हम कंसिडर करते हैं। तो जब वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम हो सो आपके पास करंट मूव करेगा अक्रॉस द आरएल रेजिस्टेंस, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि वेरियर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 0.7 से, सो दैट्स वाई आप यहाँ तक आपके पास आउटपुट पे ये वेव फॉर्म आता है। जब भी वैल्यू 0.7 से इनपुट पे इंक्रीज होती है, एक्सीड होती है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे एक्सीड हो रही है, सो व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैपेंस बेसिकली कि आपके पास वैल्यू जो है, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर ये बेरियर पोटेंशियल को क्रॉस करता है तो बेरियर पोटेंशियल जब वो क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लो रेजिस्टेंस पाथ होगा कंपेरेटिवली टू आरएल, तो मोस्टली आपके पास जो करंट होगा वो फ्लो करेगा अक्रॉस द डायोड। जब वो फ्लो करेगा अक्रॉस द डायोड तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो 0.7 वोल्ट से जो अपर पोर्शन है, पार्ट है, वो क्लिप हो जाएगा। अगेन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ऐसा ओपन सर्किट काम करेगा और तमाम करंट जो है वो फ्लो करेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। जब ये ओपन सर्किट है तो ऑटोमेटिकली करंट विल मूव अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस और आपके पास ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास फुल वेव फॉर्म आउटपुट पे जनरेट होगा, जो आप इनपुट पे दे रहे सेम वेवफॉर्म आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो ये एज अ पॉजिटिव क्लिपर आप यूज करते हैं। ड्यूरिंग द नेगेटिव क्लिपर आप क्या करते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज करते हैं, डायोड की जो पॉजिटिव टर्मिनल है के तो वो आप पॉजिटिव जो है बेसिकली एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है के तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, सो उसमें ये होगा कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, सो व्हाट इट हैपेंस कि आपके पास ये ऐसा ओपन सर्किट काम करेगा। अच्छा, जब व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, एंड देन अगर 0.7 वोल्ट से एक्सीड करता है रिवर्स वोल्टेज तो क्या होगा कि ये डायोड आपके पास हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और फिर करंट मूव करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और आप करंट का पाथ ये होगा, दो रेजिस्टेंस पे करंट मूव नहीं करेगा और आपके पास जो है ये वेव फॉर्म आपके पास, ये वेव फॉर्म आपके पास आएगा, ठीक है, -0.7। तो ये 0.7 पॉजिटिव, ये इसी में ऐसा पॉजिटिव क्लिपर एंड ये -0.7 नेगेटिव क्लिपर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इन दो कॉन्फ़िगरेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इज अ पॉजिटिव क्लिपर रिक्वायर्ड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको रिक्वायर्ड होगा, अगर आपको नेगेटिव रिक्वायर्ड होगा, नेगेटिव क्लिपिंग आउटपुट पे आपको रिक्वायर्ड होगा तो देन यू नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए कि आप इस के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करें, कोई वेव फॉर्म गिवन हो, तो यू कैन मेक अ सर्किट ईजिली, आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर, अगर पॉजिटिव क्लिपर होगा तो किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी सर्किट की, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को एसी सोर्स के कौन कौन से टर्मिनल्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
अब लेट सपोज अगर आपने इसमें आउटपुट वोल्टेज आपने मैयर करना है या कैलकुलेट करना है एक क्रॉस, क्योंकि आउटपुट आपको हमेशा से लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ही हम आउटपुट यहाँ पे वी नॉट हम यहाँ पे मैयर करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास दो रेजिस्टेंस होंगे, जो भी इनपुट वोल्टेज आपके पास आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है आर एल प्लस आर वन के में, ठीक है। सो क्या होगा बेसिकली वी वन या वी एन जो है वो बेसिकली आर वन प्लस आर एल टाइम्स मल्टीप्लाई बाय आर एल। तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला यूज हो सकता है, या आप इसको कहें कि आर एल डिवाइड बाय आर वन प्लस आर एल एन टू वी एन, जो कि वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है। जो वोल्टेज आप इनपुट पे दे रहे हैं वो ठीक है, तो ये आप आउटपुट पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आर वन की वैल्यू इंतहाई कम हो, मतलब इंतहाई कम इट मीन्स कि अगर आप इसको बहुत कम रखते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जब इसको कम रखें, मिसाल के तौर पर इसको जीरो रखें सपोज, ठीक है, तो आर एल डिवाइड बाई आर एल, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, वी एन के। तो अगर आप इसको कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी वोल्टेज आप इनपुट पे दे रहे हैं तो लोड पे आपको वही वोल्टेज आपको मिलेगा। डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप आर वन की वैल्यू इंक्रीज करते तो ऑटोमेटिकली आउटपुट वोल्टेज आपके पास ऑटोमेटिकली उस तनासब से कम आएगा, ठीक है। तो जितनी आप आर वन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली आउटपुट वोल्टेज। सो इसके बाद हम एक एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल हमारे पास क्या है। अच्छा, सर्किट से ही देखिए, मैं यहाँ पे देखें आपके पास व्हाट वुड यू सी टू टी सी डिस्प्लेड ऑन एन ऑसिलोस्कोप कनेक्टेड अक्रॉस आर एल, ठीक है। एक ऑसिलोस्कोप जो है वो आर एल के क्रॉस कनेक्टेड है एंड द लिमिटर शोर। सो आप आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह देखेंगे, उस ऑसिलोस्कोप के ऊपर आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह आएगा। अब ये एज अ पॉजिटिव क्लिपर है या एज अ नेगेटिव क्लिपर है, तो प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया है कि आप सर्किट से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि एज अ पॉजिटिव क्लिपर काम कर सकते हैं या नेगेटिव क्लिपर। तो यहाँ से देखिए, सर्किट से मुझे डायरेक्टली आइडिया होता है ये एज अ नेगेटिव क्लिपर क्लिपर यूज़ हो रहा है, बट स्टिल इसको देखते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो कैथोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एनोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो जब ये तो ये इज ओपन सर्किट काम करेगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास आउटपुट को कंप्लीट वेव फॉर्म बनेगा, तो ये इज अ पॉजिटिव क्लिपर तो नहीं है क्योंकि आपके पास आउटपुट पे कंप्लीट वेव फॉर्म बनेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो वैल्यू जब 0.7 से एक्सीड होगी तब ही ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो 0.7 से जब वैल्यू एक्सीड होगी तो पूरा करंट जो है वो इस डायरेक्शन से मूव करेगा इसके क्रॉस, और देन आपके पास 0.7 जो है नेगेटिव पे अबव क्लिप हो जाएगा। तो ये वेव फॉर्म इस तरह आएगा कि कंप्लीट वेव फॉर्म आपके पास आउटपुट पे इस साइकिल के लिए, एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास -0.7 आएगा। वो डिपेंड करता है कि 10 वोल्ट तो खैर नहीं आ सकता एग्जैक्टली आउटपुट पे, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे और आपके पास जो रेजिस्टेंस होंगे उसको आप देखेंगे। इन इन केस मिसाल के तौर पर ये क्या किस फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, वी आउट यहाँ पे मैं, तो आर एल डिवाइड बाई आर वन प्लस आर एल एन टू वी एन। वी एन 10 वोल्ट है तो 100 10 प्लस 100 110 टाइम्स 10, तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे अक्रॉस थी वो क्या होगा, 9.09। तो जो पॉजिटिव वो जो पॉजिटिव है साइकिल, तो उसकी पीक वैल्यू जो होगी वो आउटपुट पे 9.09 होगी। और ये और जो नेगेटिव है इस नेगेटिव क्लिपर यूज हो रहा है, सो आपके पास ये -0.7 होगा। तो मिसाल के तौर पर कोई भी सर्किट गिवन तो यू कैन इजीली फाइंड, अगर हम सिंपल सर्किट को ये या ये टर्मिनल ये चेंज कर दे डायोड को, मिसाल के तौर पर इस साइड पे हम एनोड कनेक्ट कर दे, ये नीचे कैथोड हो, ये इन्वर्ट कर दे इसको, तो ऑटोमेटिकली आपके पास देन एट 12 वोल्ट इज अ पॉजिटिव क्लिपर या इज अ पॉजिटिव लिमिटर हम इसको यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जब आप सर्किट को देखेंगे, इनपुट वेवफॉर्म को देखेंगे, सो आपको इजीली आइडिया होगा कि ये एज अ पॉजिटिव क्लिपर यूज हो रहा है या पॉजिटिव लिमिटर यूज हो रहा है या एज अ नेगेटिव लिमिटर यूज हो रहा है। अब इसमें एक और भी एग्जांपल है कि आप चेंज करें आर वन की वैल्यू 1 किलो ओम, अगर 1 किलो ओम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएशन इतनी ज़्यादा बहुत कम आएगी, ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो
बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट जो इनपुट पे जो वोल्टेज होगा आउटपुट पे ऑलमोस्ट उस जितना वोल्टेज ही आपके पास आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट से आपने रिड्यूस किया, 1 किलो ओम पे आप लेके आए हैं। सो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आउटपुट वैल्यू होगी वो 9.5 से भी ऊपर होगी, मे बी के वैल्यू आपके पास बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे वेव फॉर्म के अंदर।